अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? आज नादरन बाईपास मंडी की अपडेट के लिए हाजिर हुए हैं और आपको आज छोटे माल की अपडेट देंगे, छोटे माल के रेट्स भी लेके देंगे। और आप फैसला कीजिएगा कि नादरन बाईपास मंडी का रेट अब तक क्या हिसाब किताब जो है वो चल रहा है और आगे क्या आपकी प्रोडिक्शन है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ रेट्स बता देता हूँ नादरन बाईपास मंडी के छोटे माल के, जो कि रेट चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम जो है छोटे माल के रेट के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पर। और ये जो सामने छितकबरी बछिया है, ठीक है, जो हमने पूछी तो उसके 1,30,000 रुपये उसके रेट थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें 1,30,000 रुपये किस जानवर के मांगे जा रहे हैं नादरन बाईपास मंडी में। बाकी ये कि सिंध का माल है, सारा छोटा माल ज़्यादातर सिंध से ही आता है, आपको पता है। और ये जो बछिया अब ये जो मैंने पूछी है, ठीक है ना, इसके रेट जो है ना 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए में अब आप देख लें कि ये क्या मांगे जा रहे हैं रेट, जबकि मंडी में माल बहुत है, बहुत आ रहा है और स्पीड से आ रहा है और ख़रीदारी कुछ भी नहीं हो रही, कुछ भी ख़रीदारी नहीं हो रही। यानी कि मैंने अपने विजिट में एक भी जानवर बिकते हुए नहीं देखा। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी आज जो है वो 25 मई 2023 और बकरीद जो है 29 जून 2023 को है, तो तकरीबन आपका अल्लाह भला करे 1 महीना 4 दिन के करीब हैं। और इलाकों में भी आप देख लें कोई जानवर नहीं आए हुए, इक्का दुक्का जानवर आए हुए हों तो आए हुए हों, ना कोई जानवर नहीं आए हुए, ख़रीदारी भी नहीं आ रही। 1 महीना रह गया है और अभी ख़रीदारी का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें रेट्स। अब ये जो बछिया ये खड़ी हुई है और इसके सामने जितने भी है जानवर खड़े हुए, इन सब के जो है ना मांगे, इस बछिया के 2,20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं 2,20,000 में इसमें क्या है, सिर्फ टांगे ही टांगे और कुछ नहीं है, तो नाजायज़ रेट मांगे जा रहे हैं नादरन बाईपास मंडी में। और एक तो इतनी दूर है, ऊपर से बंदा जान का ख़तरा लेके जाए भी, और रेट भी जो है ना वो नाजायज़ इतने मांगे जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है रेट का, आप लोगों को क्या लग रहा है। बाकी मलिर की भी अपडेट डाली थी, तो मलिर के रेट मुझे कुछ मुनासिब लगे थे और भैंस काली उन्हीं के रेट मुनासिब लगे थे, लेकिन यहाँ तो अभी तक ऐसा चल रहा है कि व्यापारी समझ रहे हैं कि कराची वाले जो है वो पता नहीं कुछ अलग ही बिज़नेस कर रहे हैं, वो अलग शहर में मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर महंगाई नहीं है। नाजायज़ बिल्कुल पैसे मांगे जा रहे हैं। आज मेरा जो है ना रेट सुन के थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। अब ये बछिया है, इसके 2,30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब ये 2,30 में इसमें क्या है बछिया में ऐसा, आप कम कराते कराते भी कितने करा लेंगे, इसके एक मार्जिन होता है ना, कि मिसाल के तौर पर अगर 2,30 मांग रहा है तो वो कम से कम भी 1,80, 1,75, 1,70 में छोड़ेगा, तो इतने का माल थोड़ी है, 1,70, 1,75 का माल थोड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 1,35, 1,40, 1,30 की बछिया। ये सारा छोटा माल है, 100 किलो 3 मन मतलब इस हिसाब से 120 किलो का, इन सब के अभी ये जो सामने बछिया है, ये जो सामने बछिया है, इन सब के 2,20, 2,30, 2,20, 2,30 रेट मांगे जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि टोटली नाजायज़ है। अब थोड़ा बड़े जानवरों की तरफ आ जाते हैं, ये साहिवाल वालों का माल है। अब साहिवाल वालों का मैंने रेट पूछे तो इस बछिया के 8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, माना कि ये बछिया नुकरी है, गुलाबी में है, सब कुछ है, लेकिन इसमें 8 लाख रुपए का ऐसा क्या है? अरे ये बछिया जो है वो 4 लाख रुपए की हुई, बहुत हुआ तो 3, 3.5, 4, इससे ज़्यादा क्या हुई? 4 लाख रुपये भी भाई कम नहीं होते, सही है ना? तो अगर आपको गिनने के लिए मैं 4 लाख रुपये दूँ, आप भी टाइम लगाओगे, तो मतलब अब ऐसे मांगे जा रहे हैं कि अब जो है ना सबर जो है ना ख़त्म हो गया है, रेट सुन के अब दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। और जबकि अभी नई जगह मंडी की, व्यापारियों को पता है कि मंडी का कुछ नहीं पता आगे क्या हुआ, मंडी कम होगी, गिरेगी, क्या होगी, लेकिन अब व्यापारी सोच के आते हैं कि शुरू में लगा दो छक्का, एंड में भले मंडी गिरे तो रेट टू रेट भी दे दो। लेकिन अब वो ज़माने गए भाई, अब इतनी महंगाई है कि ख़रीदार भी अब देख के ले रहा है, तो अब छक्के वक्के ही कहानी गई, जो मुनासिब है वो मांग लो। अब ये जो सामने आपके है, इसके 3,20 मांग रहे हैं। अब इसमें 3,20 का क्या है? 100 किलो का ये जानवर नहीं है, और ये के कलर में 3,20 का ऐसा क्या है? ये 12 लाख 18 लाख इस तरीके के रेट मांगे जा रहे हैं, मतलब आप दिमाग ख़राब। अब ये जो बछड़ा है इसमें 12 लाख का ऐसा क्या है, मुझे बताएं। 12 लाख रुपए डिमांड है इसकी मंडी में, नादरन बाईपास मंडी में 12 लाख का ऐसा क्या है? पागलों वाले रेट मांग रहे हैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कराची वाले जो है ना वो पता नहीं कहाँ से आए हुए,
जो आएंगे इनको पैसे दे देंगे। बछड़ा हवा खूबसूरत है, अच्छा है, पिंक नोज में है, सब कुछ है। अरे कितने का? 3 लाख रुपए का होगा ये बछड़ा, 3.5 लाख रुपए का होगा, 4 लाख रुपए का होगा, इससे ज़्यादा का थोड़ी है बछड़ा। बाकी ये छोटा माल जो है वो जनरल ब्लॉक का, ये सारा माल मैंने बोला आपको दिखाऊं। ये सब नॉर्मल जानवर हैं, ना कलर में है ना वजन में है, बस नॉर्मल रेंज के। मगर डिमांड अगर आप सुनेंगे तो इन सब के रेट जो है ना, मतलब बाटा रेट, अगर आप अब ये बछिया है इसकी 1,30,000 रुपये फाइनल बोल रहा है, अब मुझे आप बताएं ये 1,30 में से, 1,30 में मलिर में से 2 मिल जाते मलिर मंडी से, ये 2 मन की बछिया भी नहीं है गोश में, तो 1,30 का फाइनल बंदा क्या ले इसका। ये सामने जो बछिया है इसके 2,20,000 रुपये, 2,20,000, 2,30,000 ये रेट चल रहे हैं 100 किलो के जानवर के। बाहर ये बछड़ा जो सामने आ रहा है इसके मुझे कुछ लगे थे कि इसके 2 लाख रुपए मांगे थे, और ये तो सामने इसके 1.5 लाख रुपए ये भी मांगने वाले थे। बाकी आप करेंगे तो बात हो जाएगी, लेकिन इतने का जानवर थोड़ी है, महंगाई के बाद भी आप हर जानवर पे 15,000 बढ़ा दो, 20,000 बढ़ा दो महंगाई के, ये थोड़ी कि पूरे ट्रक के एक ही जानवर पे आप निकाल लोगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अभी तो जो है नादरन भाई पास मंडी में आप रेट लेंगे तो आपका दिमाग घूमेगा, नाजायज रेट बिल्कुल मांगे जा रहे हैं। ये बछड़ा आप देखें, ये दो कोने निकले हुए हैं इसके, लेकिन इसके ये भी जो है ना वो 1.5 लाख से कम में देने में राजी नहीं है कि ये फाइनल 1.5 में दूंगा। ये 1.5 का जानवर है, इस जानवर की 2,30,000 रुपये फाइनल। ये सारे रेट हैं भाई, समाचार हैं, अब आप लोग देख लें कि कहाँ से बाइंग करनी है, क्या करना है। नादरन भाई पास मंडी देखें, व्यापारी जानवर लेके आया है इतनी दूर से, सब कुछ है, लेकिन रेट तो जायज़ मांगे। एक तो कराची वाला इतनी मुश्किलों से जो है वो आ रहा है, ठीक है, एक तो इतनी दूर मंडी फेंक दी है, रास्ते के सारे खतरे लेके आ रहा है, लेकिन और यहाँ आ रहा है तो इतने रेट। खैर ये आज की कवरेज थी, बाकी अब आप लोग खुद फैसला कर लें। बाकी ये कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें और इसी तरह हिम्मत बढ़ाते रहें ताकि हम आपको तमाम मंडियों की अपडेट देते रहें, चाहे वो मलिर हो, नादरन बाईपास मंडी हो, या भैंस कॉलोनी हो, या इलाकाई कोई मंडी हो, तमाम आपको कवरेज देंगे, अपडेट रखेंगे। रेट्स का मैंने अब आपको बता दिया कि क्या रेट चल रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।